संसद भवन में प्रवेश से पहले हम सबको महात्मा गांधी की प्रतिमा मिलती है। संसद में जब विपक्ष की आवाज़ सुनी नहीं जाती तो विपक्ष दलों के सांसद की इसी प्रतिमा के सामने बैठते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन अब शायद हम ये सब ना देख पाएं, क्योंकि संसद भवन के प्रांगण में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाया जा रहा है। मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हम जब भी देश के पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन की बात करते हैं तो एक गोल इमारत हमारी आंखों के सामने आ जाती है। संसद भवन के प्रांगण में ही करीब 16 फुट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये प्रतिमा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 2 अक्टूबर 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसका अनावरण किया था। तभी से ये प्रतिमा संसद में हुई हर हलचल की गवाह रही है। सांसदों के सरकार विरोधी अधिकांश प्रदर्शन भी इसी प्रतिमा के सामने होते रहे हैं। लेकिन अब दिसंबर में इस प्रतिमा को यहां से हटाया जा रहा है। सिर्फ महात्मा गांधी की प्रतिमा को ही नहीं हटाया जा रहा, बल्कि इस तरह की कुल 5 प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भी शामिल है। दिसंबर महीने से संसद के नए भवन का निर्माण शुरू होना है, इसीलिए इन प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। नए संसद भवन का निर्माण होने के बाद इन्हें फिर प्रमुख स्थानों पर स्थापित कर दिया जाएगा। प्रतिमा को स्थानांतरित करने का निर्णय अस्थायी रूप से लिया गया है। आपको बता दें कि संसद भवन के निर्माण के लिए सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टेंडर हासिल किया था, जिसके बाद इसके निर्माण कार्य को 21 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 2022 का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में आयोजित हो सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।